वेलकम, दिस इज निर्मन एंड ये है ब्यूटीफुल बारालाचला। दुनिया की सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन पासेज में से एक है। बर्फ देखते ही इंसान के दिमाग में ना एक अजीब सा कीड़ा पैदा हो जाता है, चाहे वो छोटा इंसान हो या बड़ा। अब हम सुबह में शिशु से शांत और सौम्य वातावरण को अलविदा कहकर बारालाचला जाने के लिए उत्सुक हैं। आज हम इसी रूट से शिशु से बारालाचला जाएंगे। रास्ता काफी लंबी है, लगभग 105 किमी और वापसी में भी वही रास्ता, यानी टोटल डिस्टेंस करीब 210 किमी। आज का जर्नी थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है। हम पूरे हिमाचल घूम चुके हैं लेकिन कहीं बर्फ नहीं मिली। उम्मीद है बारालाचला में बर्फ मिलेगी और इसीलिए हम आज शिशु से बारालाचला जा रहे हैं। कुछ दिन काजा में बिताने के बाद हम फिर उस ऊंचे इलाके में लौट आए। आज सुबह थोड़ी परेशानी थी लेकिन हमने सुबह करीब 9 बजे जर्नी शुरू की। आप देख सकते हैं यहाँ के जियोग्राफी कैसे चेंज हो गए। दूर ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ की चोटियां और हमारे साथ बाएं तरफ चंदा रिवर बहती है। ये सब कुछ मिलके एक लुभावनी नज़ारे तैयार किए हैं। हम जैसे नेचर लवर्स के लिए इससे बेहतर नज़ारे और क्या हो सकता है। अब हम टांडी ब्रिज क्रॉस करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा यहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर का कॉन्फ्रेंस है। चलिए आपको एरियल व्यू दिखाते हैं। हमारा नीचे है चंद्रा रिवर जो चंद्रा ताल से ओरिजिन है एंड दाहिने और भागा रिवर जो सूरज ताल से ओरिजिन है। यहाँ पर दोनों मिलके चंद्रभागा नाम लेकर जम्मू के अंदर से पाकिस्तान में गया है। अब हम किलोंग की ओर जाते हैं। यहाँ से करीब 9.5 किमी है। यहाँ का माहौल आप देख सकते हो, कुछ मकान और दुकान भी है। अभी आपको किलोंग की ब्यूटीफुल एरियल व्यू दिखाते हैं। नीचे बहता भागा रिवर वाकई एक खूबसूरत नज़ारे है। किलोंग लाहौल का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड वाला स्थान है और प्राचीन काल से तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसमें फेमस कर्दंग मोनेस्ट्री और कई बौद्ध गंपा और कुछ हिंदू मंदिर भी है। ये वैली लद्दाख, पांगी वैली और लाहौल जाने वाली यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान है। अब हम गेमूर पार करते हैं, इससे आगे जिस्पा है। हमारा प्लान था यहाँ पर एक नाइट स्टे करने का लेकिन कुंजुम पास बंद रहने के लिए सारे प्लान हेक्टिक हो गया। जिस्पा में बहुत सारे टेंट्स हैं भगा रिवर के नजदीक। वहां पर रहने का मजा ही कुछ अलग सा है। यहां से नजदीक दारचा है, वहां पे दोपहर की 2 बजे से आगे पहुंचना होगा क्योंकि इसके बाद बारालाचला जाने के लिए परमिशन मिलना आसान नहीं होता है। Thank you.
अभी हम डारचा पार करते हैं और हमारा परमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। हम लोग काफी तेज चले आए हैं। अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर लंच कर लेना चाहिए क्योंकि इसके आगे पर अच्छा से खाना नहीं मिलेगा। यहाँ के नज़ारे तो देखे आप, दूर पहाड़ों पे बर्फ की चोटियाँ, नीचे ग्रे माउंटेन्स और आसमान में उड़ती बहुत सारे पंछियाँ। यहाँ की जियोग्राफी काफी चेंज हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नज़ारे बहुत अच्छा होने लगा। आप देख पाते हो कई बाइकर्स भाइयों ने यहाँ का नज़ारे का आनंद लेते हैं। जिन लोगों का तमन्ना होता है इतनी सुंदर रास्ते का मजा लेना है वो तो जरूर पूरा करेंगे ना। जैसे हम पाटसियो आते हैं यहाँ नज़दीक बाएं तरफ दीपक ताल है और आगे पाटसियो मिलिट्री कैंप मिलता है जो 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों से घिरा वैली में स्थित, चारों ओर बर्फ से ढाकी चोटियां से घिरा पाटसियो दूर से एक मृग मरीज की तरह लगता है। पाटसियो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप है जिसे 1999 के कारगिल वॉर के बाद अपग्रेड किया गया है। माउंटेन ड्राइविंग का असली रोमांच पाटसियो के बाद शुरू होता है जब कोई हवा से बहने वाली बारालाचला के रास्ते में जिंगजिंग बार की विचित्र नाम वाली दर्रे के पास पहुंचता है। और ये पाटसियो कैंप से 19 किमी आगे है बारालाचा के रास्ते में। जिंगजिंग बार और आपा जिंगजिंग बार पास करने के बाद आगे दाहिने तरफ लगभग 19 किमी दूरी पर सूरज तल मिलेगा हमको, लेकिन चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ है और इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कहां पर वो लेक है। बहुत सारे लोगों का तमन्ना होते हैं इस रास्ते पे लद्दाख जाने के लिए। इस हाईवे का सौंदर्य ऐसा है आप शायद इसे अनदेखा कर नहीं सकते हैं। और अगर आप इस रास्ते पे लद्दाख जाएंगे ना, आपका एक्लिमेटाइज अच्छा तरह से हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं ना, लैंडस्केप बदल जाता है, एक रॉ वाइल्ड ब्यूटी प्रकट होती है जो आपको आश्चर्यचकित कर देती है। हवा ज्यादा क्रिस्प हो जाती है, आपको ऑक्सीजन का कमी महसूस होगा, रंग अधिक चमकीली हो जाती है और सन्नाटा अधिक गहरा हो जाता है। आप शायद देख सकते हो ये बर्फ ज्यादा हो गया रास्ते के दोनों तरफ और कई कई यहाँ तो 8 से 10 फीट की वॉल जैसा बन गया है। इसके अंदर जो रास्ता किया गया है ना, हम लोग वहां से जा रहे हैं। अभी तो ठंड उतना नहीं है, अब दोपहर के 2 बज गए हैं और अच्छा गर्म महसूस हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता काफी छोटा होता है, बर्फ के कारण चारों ओर ढकी है, आप देख सकते हो, इसलिए यहाँ पर रोड जाम हो गया है। शायद हम नजदीक है क्योंकि सूरजताल से लगभग 3 किमी के दूरी पर ये बारालाचला पास है। अब तक हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स Subscribe my channel cause it's free and without your support it's not possible to make this kind of videos. अगर आपको हमारा पूरी हिमाचल सीरीज देखना है तो आई बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। बारालाचा पास सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। पास की यात्रा के आनंद लेने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर महीने है जब बर्फ पिघलते हैं और पास यात्रियों के लिए सुरक्षित माना जाता है।
राइट नाउ वी आर एट एग्जैक्टली बारालाचा, जिसको बारालाचा पास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ला मतलब पास या दर्रे होता है। बारालाचा नॉर्थ इंडिया के जांस्कर रेंज में एक हाई माउंटेन पास है जो हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले को लद्दाख के ले जिले से जोड़ता है। सो दिस इज बारालाचा एंड लास्ट वी रीच हियर। देखो चारों ओर नज़ारा है, नज़ारा सिर्फ बर्फ ही बर्फ और कुछ नहीं है। यही तो है जन्नत। ओ भाई बारालाचा में कुछ यादगार पल बिताने के बाद हम लोग सिसु के लिए निकल पड़े। आज हमको मनाली जाना होगा, शायद पहुंचने में रात हो जाएगा। पहाड़ों में ना मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी थोड़ा बारिश हुआ है, यहाँ मौसम काफी बदल चुके हैं। हम लोगों को जल्दी लड़ना होगा। सिसु से बारालाचा तक का सफर सिर्फ एक सवारी से कहीं अधिक है। ये लचीलापन की परीक्षा है, प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है और ऐसे यादें बनाने का मौका है जो जीवन भर बने रहेंगे। तो अपने बैग पैक करें, रोमांच की अपने भावना को बढ़वा दें और अपने खुद की हिमालय यात्रा पर निकल पड़े। तो ये गेमुर है, जिसपा से लगभग 5 किमी आगे किलोंग जाने के लिए, और ये है हिमालयन फैमिली धावा। हम लोग यहाँ पर रुके हैं लंच करने के लिए। वैसे तो लंच का टाइम निकल चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल नेचर के अंदर बसे हुए हैं ये। यहाँ पर 5 टेंट्स है और एक मोबाइल रेस्टोरेंट है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे।
वी आर टेकिंग लंच एज चाउमिन एट चिस्पा This place is so well decorated. ये नॉर्थ लेजर कैंप है जो केलोंग से 20 किलोमीटर के बाद आता है गिमुज नाम की जगह है ये. अच्छा तो आप कभी भी आइए इंजॉय करने के लिए क्योंकि हर पूरे इंडिया के लोग आते हैं एकदम और बाहर से भी अभी देखा आपने. अच्छा अच्छा तो ये भी आ जाते. अच्छा आप थोड़ा रेट बता दीजिए वो कैंप का रेट. हाँ कैंप का हमारे उसके हिसाब से रहता है सीजन के हिसाब से जैसे. अच्छा, अच्छा, जब सीजन चलता है तो उस टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि. अच्छा, हमारे सीजन बहुत छोटे टाइम के. अभी कितना रेट चल रहा है? अभी हमारा 1000 पर चल रहा है. अच्छा पर हेड फॉर स्टेइंग ओनली. ओके ओके. इन वन टेंट कितना लोग रह सकते हैं? दो आदमी. हाँ ठीक है. तीन भी आए तो ओके ओके. बच्चा हो तो एडजस्ट कर लेंगे. हाँ एक्स्ट्रा बेड. एक्स्ट्रा बेड. हाँ जी एक्स्ट्रा बेड. थैंक यू. थैंक यू. ये जिस्पा है. आप शायद देख सकते हो रास्ते में आते समय शॉट ले लिया. वैसे तो हमारा तमन्ना इस बार पूरा नहीं हुआ है. हिमाचल एक ऐसी जगह है आपको बार बार आना पड़ेगा क्योंकि नेचर इतनी ब्यूटीफुल है आप शायद अनदेखा कर पाओगे. बाय. सी यू एट मनाली इन द नेक्स्ट एपिसोड.